सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको दही बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चलूँ, हमने एक न्यू वी लॉगिंग चैनल राना आदिल अहमद के नाम से बनाया है, जिसका लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वीडियो के लास्ट पर भी आप देख सकते हैं। हमारे इस चैनल को दूसरे तमाम चैनल्स की तरह सपोर्ट करें और अपना प्यार दें, क्योंकि आपके लव और सपोर्ट के बगैर हमारा ये सफ़र मुमकिन नहीं था। चलें अब देखते हैं कि हमें दही बनाने के लिए कौन सी चीज़ें दरकार होंगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक बाउल मैंने नीम गरम, जिसे हम कोसा कहते हैं, नीम गरम दूध लिया है, और एक तरफ हम छोटी बाउल में वाइट कलर में देख सकते हैं कि हमने दही लिया है। अब हमने क्या करना है, एक चम्मच आपने यूं दही ले लेनी है और इस इतने सारे दूध में आपने अच्छे से मिक्स कर लेनी है। याद रहे जाग हमेशा थोड़े से दही की लगती है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको कवर करके हॉट पॉट के अंदर, जिसमें ये थोड़ा सा गर्म रहे, इसको रख देंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह तक हमारा जो दही है वो जमकर तैयार हो गया होगा। अदरवाइज 2 से 3 घंटे इसको काफ़ी होते हैं अच्छा दही जमने के लिए। चलिए अब हम इसको हॉटपॉट के अंदर रखते हैं। ज़रूरी नहीं अपने हॉटपॉट में रखना है, आप किसी भी कवर चीज़ में रख सकते हैं। ये देखिए, ये हमने हॉटपॉट के अंदर इसको रख दिया। आप चाहें तो सिंपल ओवन में भी रख सकते हैं। और ये इस तरह हमने बंद कर दिया। बस अब ये सारी रात पड़ा रहे, सुबह इंशाल्लाह हमारा अच्छा दही जमा होगा। वैसे 2 से 3 घंटे लगते हैं दही को प्रॉपर जमने में, लेकिन अब मैं इसको ओवरनाइट लिए रख रही हूँ। ये देखे व्यूअर्स, हमारा जो दही है वो जम चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और हमारे न्यू वी लॉगिंग चैनल राना आदिल अहमद को अपना सपोर्ट देना मत भूलें। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।